तो दोस्तों वेलकम बैक टू सिविल इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि सॉइल मैकेनिक्स जो है कैसे किस तरह का फॉर्म में रहता है। दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने सॉइल मैकेनिक्स क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है, वो सब बता चुके हैं। अगर आपने पिछले वीडियो में नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है या फिर आई बटन में जाकर उसको देख सकते हैं। और आज इस वीडियो में देखेंगे हम लोग कि फॉर्म कितना फॉर्म में सॉइल होता है, किस तरीके से किस फॉर्म में। तो ये पार्ट टू होगा। पहला पार्ट जो वन जो है देख जो अपलोड कर चुके हो आप देख सकते हैं जाके। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले देखते हैं सबसे पहले कि फादर ऑफ सॉइल। तो सॉइल का जो फादर माना जाता है दोस्तों सॉइल मैकेनिक्स का, कार्ल तर्जागी, हमको याद रखना है। ये जो था कार्ल तर्जागी जो साइंटिस्ट था हम लोग का, यानी सॉइल मैकेनिक्स का फादर, वो जो था ऑस्ट्रिया से। तो दोस्तों सॉइल जो होता है इस तरीके का फॉर्म में मिलेगा। उसका अंदर क्या होगा, सॉइल सॉलिड होगा, कुछ सॉलिड होगा, कुछ कण, उसका अंदर कुछ वॉइड होगा। तो दोस्तों वॉइड और कण जो मिलकर जो है सॉलिड सॉइल बना होगा। जैसे कि आप देखे होंगे, अगर बालू कहीं देखे होंगे तो उसमें देखेंगे उसमें दाने दाने रहता है, वो सब जो है सॉलिड है, और बाकी उसके बगल में जो रहता है वो सब वॉइड है, यानी उसमें क्या एयर रहता है। तो मान लेते हैं कि ये जो है सॉइल है, एक सॉइल का पार्टिकल है उठाया है, और इसके अंदर जो है सॉलिड सॉइल पार्टिकल्स है और बाकी सब वॉइड है सब। तो सॉइल जो है दोस्तों फॉर्म में किस तरह का होता है, कितने तरह का फॉर्म में हो सकता है, ये भी एक जानना जरूरी है। तो सबसे पहले देखते हैं कि सॉइल क्या होता है दोस्तों। एक एयर होता है, एयर होता है, और एक में सॉइल। मान लेते हैं कि ये सॉइल है, आधा में एयर भरा हुआ है और आधा में है सॉलिड, सॉइल सॉलिड, यस यस का मतलब सॉइल सॉलिड। तो कितना तरह का हो गया इसका जो फॉर्म हो गया दोस्तों, एक एयर और एक सॉइल सॉलिड। तो इसको जो है हम लोग डिवाइड कर देते हैं, ऊपर का जो है एयर है तो उसका एयर का वेट, वेट ऑफ एयर, उसके बाद वेट ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ एयर, उसके बाद वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो एयर ऑफ वेट जो होगा जीरो होगा, सबको पता है कि एयर का वेट हम लोग नहीं मानते हैं और उसमें उसका वेट नहीं होता है। तो इसको जो है ड्राई कंडीशन में सॉइल का फॉर्म इस तरह का होगा, एयर एयर भरा होगा और सॉलिड सॉइल इस तरह का होगा दोस्तों। इसका फॉर्मूला बनेगा, वेट का बनेगा टोटल वेट ऑफ सॉलिड, और वेट ऑफ एयर जीरो हो जाएगा, और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जो होगा ना, वॉल्यूम ऑफ टोटल वॉल्यूम होगा दोस्तों उसका, वॉल्यूम ऑफ एयर भी उसमें ऐड होगा। उसके बाद नेक्स्ट फॉर्म जो होगा दोस्तों, सेचुरेशन कंडीशन में, अगर उसमें पानी गिरा हुआ है, आधा पानी भरा हुआ है, यानी पूरा पानी भरा हुआ है, तो उसमें क्या होगा, आधा में पानी होगा, जो खाली जगह उसमें पानी होगा, और जो कण होगा उसमें सॉलिड सॉइल होगा। क्योंकि सॉइल सॉइल जो है उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, चाहे पानी हो या हवा हो वो उतना ही रहेगा, लेकिन जो खाली जगह है उसमें पानी भर सकता है, जो खाली जगह नहीं है उसमें पानी नहीं भरेगा, नहीं घुसेगा। तो दूसरा फॉर्म में आ गया वाटर और सॉलिड। तो ये हो गया वाटर का वेट, ये हो गया सॉलिड का वेट। इस तरीके से जो है इसको हम लोग, इस दोनों को हम लोग कहेंगे टू फेस डायग्राम। एग्जाम में आता है कि टू फेस डायग्राम और थ्री फेस डायग्राम क्या होता है। इस दोनों को कहेंगे, जो फ्री में ड्राई कंडीशन में है उसको भी टू फेस डायग्राम, और जो सेचूरेटेड जो पानी इसके अंदर है भिगा हुआ है तो उसको भी हम लोग टू फेस डायग्राम कहेंगे। उसके बाद तीसरा फेस आता है दोस्तों, पार्शियली सेचूरेटेड, मतलब आधा पानी भरा हुआ है और आधा सूखा है, तो इसको कहेंगे पार्शियली सेचूरेटेड। तो जहाँ देख रहे हैं दोस्तों कि सॉलिड सॉइल जो है, सॉइल सॉलिड जो है वो चेंज नहीं होगा, उतना ही रहेगा, लेकिन जो एयर में रहता है, जो खाली जगह रहता है, उसमें आधा में पानी भरा हुआ है, आधा में पानी भरा नहीं है। इसमें क्या होगा, आधा में एयर होगा, आधा में पानी होगा। तो इसका जो टोटल वेट होगा, एयर प्लस वाटर का वेट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड का वेट। तो उसके बाद वॉल्यूम भी उतना ही होगा दोस्तों, एयर और वाटर का प्लस करके वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो एयर का तो वेट नहीं होगा, तो इसको हम लोग वाटर का वेट ऑनली मानेंगे। इसको कहेंगे थ्री फेस डायग्राम, इसको कहेंगे थ्री फेस डायग्राम। इस दोनों को कहेंगे टू फेस डायग्राम, इसको कहेंगे थ्री फेस डायग्राम। टू फेस डायग्राम किस कंडीशन में होता है, ड्राई कंडीशन में और सेचुरेटेड कंडीशन में, और थ्री फेस डायग्राम किस में होता है, पार्शियली सेचुरेटेड, मतलब आधा भीगा आधा सूखा। इसका टोटल वॉल्यूम हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ वॉइड। वॉल्यूम ऑफ वॉइड क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ वॉइड जो आएगा वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर, दोनों मिला के हम लोग का वॉल्यूम ऑफ वॉइड आएगा। वॉल्यूम कैन नेवर भी जीरो, वॉल्यूम जो है कभी, सॉरी वॉइड जो है कभी जीरो नहीं हो सकता, कितने भी कंपेरिजन कर लिया वो फिर जीरो से आप नहीं कर सकते, जीरो कभी नहीं होगा। आगे देखते हैं, ये जो हो गया दोस्तों हम लोग का थ्री फेस डायग्राम, इसको हम लोग याद रखेंगे थ्री फेस डायग्राम, थ्री फेस डायग्राम।
इसका जो है प्रॉपर्टीज होता है, सॉइल प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। सॉइल का कई सारे प्रॉपर्टीज होता है। आज जो है हम लोग एक ही प्रॉपर्टी देंगे, वाटर कंटेंट या मॉइस्चर कंटेंट। इसको वाटर कंटेंट या मॉइस्चर कंटेंट दोनों कह सकते हैं हम लोग। तो वाटर कंटेंट जनरली जो होता है दोस्तों, वाटर कंटेंट कि उसमें कितना वाटर है, मॉइस्चर कितना वाटर प्रेजेंट है। तो वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड वेट ऑफ सॉलिड, इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो आ जाएगा हम लोग का वाटर कंटेंट। मान लीजिए कि वेट ऑफ वाटर का 5 kg है और सॉलिड का है 12 kg, 3 × 100 कर देंगे तो आ जाएगा 5/2 × 100, यानी आएगा 41%। यानी इसमें जो हम लोग का 41.66% सेचुरेटेड है दोस्तों, मतलब 41 पॉइंट जो है भीगा हुआ है और बाकी 60% जो है अभी सूखा हुआ है, 60.33% जो है सूखा हुआ है। इस तरीके से हम लोग वाटर कंटेंट निकाल सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद देखिए कि वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हम लोग इस चैनल में अगर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।